खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। हाँ, बेल आइकन दबाना ना। प्रोफेसर ललिता गुप्ता जी से मेरा निवेदन है कि प्रेमनगर की महिला सर सम्मान करें, सभी तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत बधाई है प्रेमनगर पूरे गांव को, पंचायत को, सभी सदस्यों को, और सरपंच महिला सुमनपुरा जी का सम्मान करने के लिए प्रोफेसर ललिता गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और जो साथी हैं वो कृपया बाहर गेट पे खड़ा होने की बजाय पंडाल में जो है अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महानुभावों, प्रिय कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष राजनीतिक संकल्पबद्धता ने राज्य को अनेक मुसीबतों से भारतीय मानवीय प्रतिबद्ध चेतना का परिचय भी आपके विभिन्न प्रकल्पों संकल्प में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल जी, कुलपति महोदय घनश्याम सराफ जी, विशंबर जी, सभी से निवेदन है कि आप सभी इस उद्घाटन के अवसर पर सम्मिलित हो। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, हमारे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक भवन का अपने कर कमलों से उद्घाटन कर रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए ये क्षण बड़े गौरवशाली और बड़े ऐतिहासिक हैं कि इस विश्वविद्यालय का पहला शैक्षणिक भवन, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के कर कमलों से उद्घाटन हो रहा है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के इस श्रीनिवास रामानुजन परिषद का शुरुआत जो है, भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से चंडीगढ़ से किया, और हरियाणा के ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर हमें उम्मीद है कि ये विश्वविद्यालय देश का नाम रोशन करेगा और शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा ने अभूतपूर्व काम किया है। जब हरियाणा बना था तो सिर्फ 2-3 विश्वविद्यालय थे, आज 50 से विश्वविद्यालय हरियाणा में बन चुके हैं। हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, कृषि का अलग विश्वविद्यालय है, पशुपालन का अलग विश्वविद्यालय है, खेलों का अलग विश्वविद्यालय है, मेडिकल एजुकेशन का अलग विश्वविद्यालय है। तो आने वाले वक्त में किसी देश निर्माण के लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर काम चल रहा है, और मानव निर्माण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम चल रहा है। हमारा जो विश्व के अंदर भारत का स्थान था, हमारे बच्चे और बच्चियां शिक्षा ग्रहण करके दुनिया के अंदर हमारा नाम करेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर 15 किलोमीटर के अंदर बेटियों के लिए एक महाविद्यालय बनाने की योजना बनाई है, उसका परिणाम भी बहुत सुखद आएगा और हरियाणा एक बिल्कुल विकसित क्षेत्र होगा। दुनिया के किसी भी क्षेत्र के मुकाबले में हम अग्रणी होंगे। हमारा बच्चे जो हैं हर क्षेत्र के अंदर प्रतिभा अपनी दिखाएंगे। एक बड़ी सुखद घोषणा है, 15 किलोमीटर से आगे बढ़ के भी आने वाले वक्त में हर 10 किलोमीटर में बेटियों के लिए एक महाविद्यालय होगा। ये कभी हम जब हरियाणा बना था, जब देश आज़ाद हुआ था, सोच भी नहीं सकते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना अभूतपूर्व काम हरियाणा कर पाएगा। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत अच्छे काम कर रही है। मैं उनको बधाई देता हूँ। सर, तो मेडिकल फीस पर देखिए, दुनिया के मुकाबले में शिक्षा हमारे यहाँ बहुत सस्ती है। दुनिया के मुकाबले में हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं वो बहुत सस्ती हैं, और आप सारे दुनिया के मुकाबले में, क्योंकि हम एक कल्याणकारी सरकार हैं और हमारा देश के लोगों के पास उतने साधन नहीं हैं, लेकिन फिर भी
संस्थाओं को अपना थोड़ा बहुत साधन चाहिए और धीरे धीरे करके समाज को भी इसमें योगदान देना चाहिए। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, अभी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा आएगा, उसका भी निर्माण जल्दी होगा, मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया है वो करेंगे। सर बैल में रैली होगी, उसकी डेट की घोषणा हम दोबारा कर दी जाएगी, क्योंकि कल जो चुनाव है लोकल बॉडीज का, बहुत सारी जगह चुनाव है, इस वजह से कल के बजाय अगले हफ्ते हम ये रैली करेंगे। और भिवानी जीवन, भिवानी जिले के लिए जीने मरने का सवाल है, भिवानी के किसान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और सब पार्टियों को, पूरे हरियाणा वासियों को, सारे नेतृत्व को एक होकर, जिस तरह से पंजाब ने एसवाइल के पानी रोकने की लड़ाई लड़ी है, हरियाणा के भाइयों को एसवाइल का पानी लाने के लिए लड़ाई होनी चाहिए।